तो बहुत खूबसूरत गाना है और बहुत ही प्यार से और थोड़ा इसमें इंडियन क्लासिकल टच भी है, जो जब किसी गाने में होता है तो वो आपको काफ़ी करीब लगता है। बहुत सूफियाना सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत शूट किया है, सारे ऐतिहासिक जगहों पर शूट किया है। अच्छा लगता है ऐसे नए सिंगर को आप प्रमोट करते हैं, असलम भाई जैसे लोग, रितु मैडम, रिचा मैडम ने लिखा है सारी चीज़ें, हाँ तो बहुत अच्छा लगता है कि नए सिंगर्स को प्रमोट करते हैं और एक अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं, कुछ भी हो हल्ला नहीं, एक अच्छा मैसेज देता है। सर के बारे में कहना, सूरज को दिया दिखाने वाली बात और अब 5 दिन इनका। अरे मैं एक बहुत सरप्राइजिंग बात कहूँगी, ऋषभ के फादर बहुत ही अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरे साथ पढ़ते थे, संजय जी के फ्रेंड्स में भी रहे, तो जब ये लोग बच्चे इनसे मिलने गए संजय जी से, उन्होंने जाके कहा कि सर अंकल आप हमें बाइट्स दे दीजिए, तो गाना सुनने के बाद जब संजय जी ने बोला कि पहले मेरी बात करो अपनी मैम से जिन्होंने ये गाना बनाया है, तो मैंने फ़ोन पे बात की इनसे पहली बार, तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और इतनी खुशी हुई कि इनके जैसे लोग जो है ना वो हमारे संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं मार्गदर्शन है। इनका सबसे पहला सवाल मुझसे ये था कि मैम ये जो गाना आपने बनाया ये राग मारवा में है क्या? तो पहले तो मेरे कान से धुआं निकल गया, मैंने कहा एक्टर हो के कैरेक्टर आर्टिस्ट हो के इतने बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट होने के बाद इस इंसान को रागों की इतनी मालूमात है, तो मैंने कहा हाँ संजय जी ये तो राग मारवा में, तो बोले मैंने अमीर खान साहब को बहुत साल सुना है, किराना घराने के जो अमीर खान साहब थे उनको मैंने बहुत साल सुना है मारवा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इनके जैसे जो लोग हैं वो वाकई हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है कि भले ही आप किसी भी विधा में हैं या किसी भी विधा को सीखते हैं तो उसको पूर्ण तरह से सीखें तो ही आप उसमें आगे जाके मुकम्मल होते हैं। तो मैं संजय जी के लिए दिल से मतलब उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि और हमारा ये भाग्य है कि इस प्रोजेक्ट में उनकी इतनी बड़ी क्या कहते हैं वो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने समय दिया और वो आए, तो थैंक यू संजय जी। असलम सर कह रहे हैं गायक के बारे में, सबसे अहम बात कोई भी गायक मेरे हिसाब से क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आप आज देख रहे हैं वो खिलाड़ियों की तरह है, उनकी जो मेहनत जो पहले से चल रही थी, जो डॉक्टर रितु जौहरी और उनकी टीम डॉक्टर रितु जौहरी के साथ में रिचा मैडम और सुमित जी, ये लोग जो मिलके इन्होंने जो इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं ये एंड रिजल्ट देख रहे हैं और ये बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन जिसके पीछे जो मेहनत ये लोग करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ी खुशी हो रही है कि ये लोग यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों को तैयार कर रहे हैं और हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं तो अच्छा ही लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माओं की भी बहुत दुआएं होती हैं और ऋषभ की माता जी इधर हैं और फारिस की जो माता जी हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं हैं, लेकिन माओं की दुआओं के बिना भी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में नहीं हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गाने को लेकर तो मेरा व्यू क्या ही है, मतलब जो मैम कहती है हम तो उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो बात ये क्योंकि जब किसी के मार्गदर्शन में आप हैं तो आप उनके ऊपर पूरे तरीके से अपना सब कुछ सौंप देते हैं कि वो आपको देखेंगे जिस भी तरीके से, मतलब एक तरीके से 8-9 साल से मैम हमारा पूरे तरीके से पालन पोषण ही कर रही है, सिर्फ सिंगिंग के हिसाब से नहीं मतलब ओवरऑल 360 तरीके से मैम ने हमेशा हमको हर तरीके से सपोर्ट किया है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी लाइन है जहाँ आपको मेंटली भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें पूर्ण तरीके से मिला मैम की तरफ से, और मतलब किसी भी तरीके से इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा कि मैम हमारे लिए क्या है, और गाना तो डेफिनेटली आपने सुनी लिया, आप लोगों को पसंद आया होगा, और संजय अंकल के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब आपने उनको जिस भी तरीके के रोल्स में देखा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर उन्हें आंखों देखी में देखें, आप उन्हें कामयाब में देखें, तो आपको पता चलेगा कि अंकल की डेप्थ क्या है,
मतलब हाँ मतलब लोगों को लगता है ऐसा कि वो शायद कॉमेडी करते हैं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा डीप है। आप उनकी एक पिक्चर है कड़वी हवा, अगर आप वो देखें तो आपको और समझ में आएगा कि क्या अंकल करते हैं। और इतने सालों में मतलब अंकल ने जो अंकल का मतलब डेफिनेटिव सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, मतलब उन्हें कुछ भी कहा है तो अंकल हमेशा ये रहते हैं। और कभी कभी टेंशन में ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ नहीं अंकल मेरे से ये हो नहीं रहा है, तो अगर मैं कुछ और कर लूँ तो वो उस चीज़ में भी डांट में के मेरे को ठीक कर देते कि नहीं भाई तू चुपचाप म्यूज़िक कर, एक चीज़ करेगा तो ही कुछ होगा। मतलब मेन है कि इस इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ में टिकना ज़रूरी है। अब ज़्यादा यहाँ से वहाँ अगर आप जंप करेंगे तो नहीं होती हैं चीज़ें। खैर दो लाउन हाँ जी, एक सादे सब सदे सब सादे सब जी। सर ये जन जमा कि गाने का माध्यम हो या फिल्म का माध्यम हो, सामाजिक संदेश देना कितना जरूरी है। हाल ही में गुडली आई देखा मैंने परसों, बहुत अच्छी फिल्म है, एजुकेशन राइट्स को लेकर क्या कहेंगे उस चीज़ को? देखिए कलाकार का दायित्व होता है कि वो जिस सोसाइटी जिस समाज जिस देश में हो वहाँ पे एक अपने हिसाब से कभी कभी एक सामाजिक मैसेज तो ये दायित्व होता है, तो तेरा भी सर लोगों ने भी एक इस तरह का ही एक मैसेज दिया, गुटली भी उसी तरह के मैसेज को बिलोंग करती है। वैसे सर ऑस्कर्स के नॉमिनेट पे ये बात सुना गुटली आई डोंट नो बट मुझे अभी तक फारिश जी सर गाने को लेकर कैसा अनुभव था और जो संदेश दिया? अनुभव तो एक्चुअली काफ़ी हद तक इन्होंने समअप कर दिया, बिकॉज हम लोग कई दफ़ा बोलते हैं कि हम लोग तोतों की तरह मैम जो हमको सिखाती है हम वैसे ही गा देते हैं, तो हमारा इसमें क्रिएटिव तरीके से या गाइडेंस के तरीके से या शूट पे भी तैयारी में भी प्रैक्टिस में भी तो हर जगह मैम का रोल रहा है। हम लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और उस पर जो फेथ है हमारा इंस्ट्रक्शन पे वो शायद आपको दिख रहा है कि वो चीज़ बाहर वैसे बन के आई है। तो आई थिंक हर चीज़ का क्रेडिट तो प्राइमरीली मैम को ही जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि सर आज आए हमको अपना टाइम दिया, तो उससे हमारा दिन बन गया, इस काम की शुभ शुरुआत हो गई, तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू। दो फिल्में लगातार आई है द्वंद और अभी गुटली, यही जानना चाहेंगे आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं अगर कुछ बता सकते हैं शो मतलब द्वंद आपकी फिल्म आई हालांकि गुटली अभी आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, कितने खुश है लगातार फिल्में आपके आ रहे हैं? अच्छी फिल्में आए तो ज़्यादा खुशी होती कर लेते हैं कभी कभी गलत फिल्में क्या करें हर कोई तो जानता नहीं है कि क्या होलिका में भी बढ़िया रोल था। हाँ अरे वो जो भी आपको अवार्ड मिला था कौन सी पिक्चर से मिला था? बहुत बहुत तो आने वाली काफ़ी फिल्में लाइन से आने वाली है, अगला साल पूरा शेड्यूल टाइट है, नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन अच्छी फिल्में दूंगा दर्शकों को, कभी 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 नाराज करूंगा कभी कभी नहीं करूंगा। हाँ भाई हर मैच थोड़ी आप सफल बना सकते हैं, कभी ऐसे ही देखते हुए चले जाते हैं। सर आपकी फिल्में जो भी रहती हैं आपकी एक्टिंग वाकई माले, अगर दूसरों की बात करें तो आपकी एक्टिंग हमने देखा हर फिल्मों में नोटिसेबल ही होता है। और मैं शुरू से बिलीव करता था कि जो मैं रोल करूँगा वो मेन रोल, मतलब जो भी रोल बनाऊंगा चाहे वो दो लाइन का रोल हो क्या बात, ये कोशिश हमेशा रहती। मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने वीडियो डायरेक्टर सर को सुमित सर को, कि अभी इन बच्चों ने कुछ आर्टिस्ट लोगों से बाइट्स वगैरह ली तो यशपाल शर्मा जी ने स्पेशली वीडियो के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है, बाइट्स हम आपको दिखाएंगे अभी। तो एक सवाल आप सर से भी पूछें कि ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वीडियो ऐसा क्यों चुना, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है। मुझे भी लग रहा था कि ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर ऑब्वियसली खर्चा बड़ा ही होगा ताजमहल से लेकर कश्मीर घुमा दिया आपने, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत बहुत बधाई दूंगा आगे आने वाली फिल्मों के लिए और तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा आपकी कि आप यहाँ पर आपने इतना वक्त दिया और
हमारे इस लॉन्च को चार चांद लगाया आप। अरे सुमित मेरा छोटा भाई है तो उसका फायदा आपको मिला। नहीं एक्चुअल इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी मतलब पत्नी को देता हूँ, रितु जौहरी जी हमारी वाइफ हैं, इनको मैं सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ क्योंकि इन्होंने ही मुझे गाइड किया। और इनके कहते ना एक राइटर की राइटिंग होती है तो वो एक इमेजिनेशन लेकर चलता है कि मुझे ऐसा उतारना है, और जब कंपोज़र उसके बीच उसके साथ आता है तो उसको पता रहता है कि मुझे किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है। जब ये दोनों चीज़ मिलकर मेरे ऊपर आया तो मैंने कहा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। तो ये एक्चुअल में टीम वर्क है, इसमें मैंने ऐसा नहीं कि कुछ अलग सोचा, इन्होंने मुझे सोचवाया। उन्होंने कहा गाने को देखकर और सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो कह रहे हैं वो 100% सही होगा इसके लिए, तो मैं आगे बढ़ा। और इसको पॉसिबल जो किया है वो हमारे सरदार सोढ़ी जी। सरदार सोढ़ी जी प्लीज आप इधर आए। सर गुरमीत सोढ़ी किधर है? गुरमीत सर, सर आप इधर आए। मिल पाई सब सोढ़ी जी सर, बस आशीर्वाद दीदी का बस हम की रसी तो गाने बारे मैनू जब मेरे को सुमित जी ने गाना मतलब दीदी ने गाना बनाया और सुमित जी ने बोला इसको शूट करना है तो मेरे माइंड में यही आया कि अपन इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है लोग एक जगह जाते हैं पूरा गाना बना लेते हैं, बट मैंने कहा ऐसा नहीं करते, इसको दो तीन स्टेट्स में जाते हैं तो उस हिसाब से शूट करते हैं। तो दीदी को आइडिया अच्छा लगा तो बस हमने फिर मैंने लोकेशन ढूंढे, इनको दिखाए, इनको पसंद आया और हमने शूट कर लिया। आपके रिजल्ट आपके सामने। मेरे एक्चुअली कोई मुश्किल नहीं पड़ता मेरे लिए, मेरा रोज़ का ही काम है, बट वो ये कि वो ये कि जब तक गाना लिखा नहीं जाता तब तक बनता नहीं। तो ऋचा जी, जब मैंने ऋचा जी को सबसे पहले कहा कि मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि मैं मौना शब्द के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैंने इनको खाली टाइटल दिया कि मुझे मौला से रिलेटेड कुछ आप लिख के दीजिए। तो ऋचा जी ने, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, पर मेरे अंदर एक गीतकार है, इसका ताल्लुक मुझे इन्होंने करा है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी पहला गाना इन्होंने मुझसे लिखवाया था, तो तब से लेकर अब तक ये सफ़र चल रहा है। और ये गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि दीदी ने, इससे पहले मैंने कभी कोई सूफी गाना नहीं लिखा था, तो दीदी ने बोला तू सूफी लिख ट्राई कर, और फर्स्ट अंतरा तो हो गया लेकिन सेकंड अंतरा मेरे मतलब मैंने चलोए के चले चबाए सेकेंड अंतरे मैंने 10-12 बार लिखे, इन्होंने कैंसिल किए, तब ये फाइननेस आई है। तो मैं दीदी को ही इसका श्रेय देना चाहूँगी कि इनकी वजह से ये सूफी गाना मैं लिख पाया। हमारे लिए बहुत स्पेशल है।